कोरोना के खिलाफ जब जंग शुरू हुई तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, एक अदृश्य शत्रु से हमारी जंग चल रही है। इस दो साल की लड़ाई में क्या पेच फंसे, क्या राजनीति हुई और प्रधानमंत्री मोदी ने इस संकट से देश को कैसे उबारा, इस पर अंदर की बात सामने लेकर आई है प्रियम गांधी मोदी अपनी नई किताब नेशन टू प्रोटेक्ट में। प्रियम गांधी मोदी खुद इस वक्त हमारे साथ है। पहला सवाल तो ये पूछूंगा जी, प्रियम जी, दो साल में जब दवा बननी शुरू हुई, देश में दवा कभी बनी नहीं थी, अगर पोलियो की बात भी करें तो एक दशक के बाद देश में दवाई, पहली बार देश में दवा बनी जी, उस दवा पर भी सवाल उठ रहे थे, कोरोना से खिलाफ लड़ाई पर भी सवाल उठ रहे थे, तो आपकी इस किताब में क्या इसमें अंदर की बात है जो 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 देश को बताएगी कि प्रधानमंत्री कितने सही थे और कौन कितना गलत था? आपने बिल्कुल सही कहा है, ये दो पिछले दो साल में जो गवर्नमेंट ने काम किया है स्पेशली वैक्सीन पे, ये आने वाली जेनरेशन्स के लिए एक मार्गदर्शन जैसे है। मैं फिर भी ऑपोजिशन और कुछ मीडिया के सेक्शंस इस पर अभी भी कई सवाल उठाते मुद्दे। मैं एक आपको एक एग्जांपल देती हूँ, शायद पिछले हफ्ते ही एक हमारी महाराष्ट्र की रीजनल पार्टी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इशू उठाया था फ्लोर पे कि सरकार ने क्या किया है, सरकार ने तो सिर्फ टीके लगाए हैं, बनाई तो SII ने है जो 60 साल से बना रहे हैं। ये पूरा करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, दिस इज ये एक अटेम्प्ट है सही इन्फॉर्मेशन से थोड़ा डिटोर होने की। सीरम इंस्टीट्यूट ने वैक्सीन बनाई है, दैट इज राइट, दे आर वन ऑफ द टू वैक्सीन दैट वी आर गेटिंग, लेकिन उनकी जो रॉ मटेरियल्स आते हैं, 200 से ज़्यादा रॉ मटेरियल्स बाहर से आते हैं। अमेरिका ने उन रॉ मटेरियल्स पर एक्सपोर्ट एम्बागो लगाया हुआ था, वो यहाँ भेजने को रेडी नहीं थे, क्योंकि हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप्स इतने स्ट्रांग हो गए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के आने के बाद। इस वजह से बैक चैनल टॉक्स करके हमारी गवर्नमेंट ने सीरम इंस्टीट्यूट को ये रॉ मटेरियल की उपलब्धि कराई टाइम पर और इनफ क्वांटिटी में कि हमारी पॉपुलेशन को इतने टीके लग पाए। लेकिन जो टीके, अखिलेश यादव ने कहा कि ये बीजेपी का टीका है, किसी नेता ने कहा मैं टीका नहीं लगवाऊंगा, कांग्रेस के कई नेताओं ने बोला हम लोग कोरोना कोई नहीं है, भारत सरकार बहुत पीछे रही है, तो क्या इस किताब में आपने ये बताया है कि हमने कोरोना से लड़ाई बिल्कुल टाइम पे शुरू की थी और हमारे सारे स्टेप जो प्रधानमंत्री मोदी ने लिए और सिस्टम ने लिए वो सही थे? बिल्कुल बिल्कुल, आज की आप वर्ल्ड की सिचुएशन देखेंगे, वो फ्रीडम रैली जो चल रही है कनाडा में या काफी सारे दूसरे देशों में, बहुत एंटी वैक्सीनेशन मूवमेंट्स या एंटी मास्क मैंडेट्स के लिए प्रोटेस्ट्स चल रहे हैं। हमारे देश में भी ये काम हुआ था, इस तरीके के प्रोटेस्ट्स को इंस्टिगेट करने का काम किया गया था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने बताया, अखिलेश यादव जी जब बोले कि मैं नहीं लगवाऊंगा ये वैक्सीन, एक डॉक्टर शामिका रवि है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने एक स्टडी किया हुआ है, उस स्टडी से डेटा सामने आता है कि जहां जहां समाजवादी पार्टी के स्ट्रांग होल्ड है वहां पे वैक्सीन अपटेक कम रही अखिलेश यादव जी के स्टेटमेंट के बाद। तो लीडर्स अपनी जनता को इन्फ्लुएंस करते ही है। फिर मुलायम सिंह जी ने पब्लिकली वैक्सीन लगाया, अखिलेश जी ने दूसरा वैक्सीन लगाया, फिर वैक्सीन अपटेक बढ़ी उन इलाकों में। फिर भी अभी यूपी के चुनाव की इस कैंपेनिंग के वक्त जब उन्होंने कैंपेनिंग स्टार्ट की, फिर भी वो वापस बोले कि मैंने सेकेंड डोज नहीं लगवाया पब्लिकली। ये कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लीडर्स की? अपनी किताबों में सारी चीजों का पर्दाफाश किया है जी। वैक्सीन मैत्री हम लोगों ने बहुत शान से शुरू किया था कि हम दुनिया के देशों की मदद करेंगे जी। प्रधानमंत्री ने एक पहल की थी कि सार्क के देश एक दूसरे से संपर्क में रहें जी। एक डिप्लोमेसी में एक प्रधानमंत्री एक बड़ा आयाम जी, एक बड़ी बड़ी लकीर खींच रहे थे जी। लेकिन आपको लगता नहीं ऐसी टांग खींची गई कि वैक्सीन मैत्री से हम लोगों को पीछे हटना पड़ा? क्या इसके बारे में आपकी किताब में बताया है? जी बिल्कुल बताया है। एक वैक्सीन मैत्री ना केवल एक ह्यूमन और ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर थी हमारी तरफ से वर्ल्ड की दूसरे देशों के लिए, लेकिन एक डिप्लोमेटिक एफर्ट भी थी। मैंने इसके बारे में मिस्टर आदर पूनावाला से भी बात की थी, तो उनका भी मत यही रहा था कि वैक्सीन मैत्री के वजह से
हमने उन मार्केट्स में हमारी इंडस्ट्री हम को एंटर करा पाए जहाँ पे हमारी बिजनेसेस एंटर नहीं कर पाए थे. कुछ कुछ नेशंस के साथ हम रिलेशनशिप अपना स्ट्रेंथन कर पाए इस वैक्सीन मैत्री की वजह से. अब जब प्रोग्राम हमने बंद कर दिया तो उन्हीं एफर्ट्स पे अब चाइना वालों ने आके अपनी वैक्सीन दे दी, तो वी हैड टू डू अ यू टर्न ऑन दोज एफर्ट्स. हमारे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स फिर रह गए. मतलब इंटरनल पॉलिटिक्स के चलते चाइना हमसे आगे निकल गया वर्ल्ड मार्केट. बिल्कुल बिल्कुल, ये कैसा रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स है बताइए. एक और चीज मैंने देखा किताब में, आपने ऑक्सीजन की जो कमी हुई थी, स्कार्सिटी ऑफ ऑक्सीजन, सिलेंडर्स ऑक्सीजन, इसको लेकर काफी देश में बवाल उठा. जो सेकेंड फेज ऑफ जिसको हम दूसरी लहर कहते हैं कोरोना की, उस समय काफी लोग थी, कमी के चलते लोग दावा कर रहे हैं उनकी मौतें हो गई. तो दिल्ली में सबसे ज्यादा फर्क पड़ा था. तो दिल्ली में बड़े आरोप लग रहे थे कि नेताओं ने होल्ड कर लिया, सरकार ने होल्ड कर लिया कि मैं अपने लोगों को दूंगा. तो क्या क्या इसके बारे में क्या सच्चाई आप सामने लेकर आई हैं अपनी किताब में? जी देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट, केजरीवाल जी की गवर्नमेंट ऑक्सीजन को मैनेज नहीं कर पाई है. ये रियलिटी है. काफी सारे, आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ बीजेपी वाले स्टेट्स ने अच्छा काम किया है. मैं ये भी कहती हूँ कि महाराष्ट्र ने दूसरी लहर के वक्त ऑक्सीजन मैनेजमेंट में बहुत अच्छा काम किया है. केरला ने भी बहुत ही अच्छा काम किया है. अब इन दो तो, ये दोनों तो ऑपोजिशन स्टेट्स है, ऑपोजिशन रूल स्टेट्स है, तो उनके आंकड़े आप देख लीजिए. जब उतने ही केसेस महाराष्ट्र और केरला में थे, तभी दिल्ली सरकार 4 से 5 गुना ज्यादा ऑक्सीजन मांग रही थी उतने ही केसेस के लिए. क्यों? उनके पास ना कोई अकाउंटेबिलिटी थी कि ऑक्सीजन कितना रिफिलर के पास जा रहा है, कितना हॉस्पिटल्स के पास जा रहा है, या कितना ब्लैक मार्केटिंग में, कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं थी. एट वन पॉइंट आप सप्लायर्स को पूछिए, टैंकर को 3-3, 4-4 दिन रुका के रखते थे और फिर वापस भेज देते थे कि भैया हमें अब नहीं चाहिए. दे वर नॉट इवन कम्युनिकेटिंग विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, डायरेक्टली कोर्ट में कम्युनिकेट करते थे. तो हमारे जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स है जो ऑक्सीजन सप्लाई को मैनेज करे, उनको घंटों तक कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में बैठना पड़ रहा था उस क्रिटिकल वक्त पर. अब जब केजरीवाल जी की गवर्नमेंट ने इतना ऑक्सीजन होल्ड कर लिया, तो बाकी की जो जाने गई हैं, जो अब सुप्रीम कोर्ट के टास्क फोर्स से भी पता चल रहा है कि 4-5 गुना ज्यादा ऑक्सीजन उन्होंने होल्ड किया, तो कितनी जाने गई है बाकी के स्टेटों में. अब वो नेशनल फिगर बनने जा रहे हैं, तो ये कैसा चॉइस है कि कुछ लोग की जाने ज्यादा कीमती है और कुछ लोग की जाने आप जाने दे सकते हैं. तो इसमें केजरीवाल साहब को जानती हैं, लेकिन इसमें पूरे डेटा वेटा है ना जी, आप डेटा से युक्त है ना, अगर आपकी किताब में ये आरोप लग रहे हैं तो. मेरी डेटा बिल्कुल, माय बुक इज स्ट्रेंथेंड बाय डेटा. बिहार में रैली हुई, इलेक्शन कमीशन ने एक बैठक बुलाई थी, सारी पार्टी, बीजेपी ने कहा वर्चुअल रैली करेंगे, अमित शाह ने किया, प्रधानमंत्री ने किया, आरजेडी थी बिहार में, कांग्रेस थी बिहार में, कई पार्टियां थी जिन्होंने कहा हमारे पास रिसोर्स नहीं है, हम रैलीज वर्चुअल रैलीज नहीं करेंगे जी. तो क्या ये एक तरफा चीजें जो थी, ये सेंटर हम बीजेपी की सरकार है, बीजेपी कर रही है फॉलो, लेकिन बाकी पार्टियां नहीं कर रही, ये बिहार बंगाल में भी देखा गया, तो ये मीडिया ने कवर क्यों नहीं किया? जब दूसरे वेव में एलिगेशन लग रहे थे कि आप रैलीज अलाउ कर रहे हैं, इतनी फिजिकल रैलीज सभी कर रहे हैं, तो ये मीडिया ने ये बात क्यों नहीं उठाई कि जब इलेक्शन कमीशन ने मीटिंग बिठाई थी बिहार के चुनाव के पहले, तब ऑपोजिशन पार्टियां ने, रीजनल और कांग्रेस, उन्होंने आके बोला है कि नहीं, ये हमारे लिए डिसएडवांटेज होगा कि हम बीजेपी को के मुकाबले में पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएंगे वर्चुअल रैली के माध्यम से. तो ये मुद्दा तो पता नहीं कार्पेट के अंदर चला गया. प्रधानमंत्री ने फ्रंट से लीड किया, प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से बात की, प्रधानमंत्री ने रिसर्च के लिए फंड अलोकेट किए, तो क्या इस फ्रंट से लीड करने वाले इंसान के ऊपर आपकी किताब में क्या है? बिल्कुल है. जो पॉलिसीज हमारी बनी है, स्पेशली हमारी जो वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी की जो सक्सेस है, वो प्राइम मिनिस्टर के फ्रंट से लीड करने के एफर्ट्स के वजह से ही है. उन्होंने पहले से, फ्रॉम अप्रैल 2020, He has motivated vaccine manufacturers कि हम आपको रिस्क फंड करेंगे, आप हमें प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दिखाइए, आपको जब भी पैसे चाहिए हम आपको पैसे देंगे, लेकिन आप यहाँ पे वैक्सीन बनाइए. बाहर के मैन्युफैक्चरर्स को भी तब से बोला था कि आप यहाँ आइए वैक्सीन बनाइए, तब से
फ्रॉम अप्रैल 2020. तो जो आरोप लग रहे थे कि आपने ऑर्डर्स प्लेस नहीं किए, हमारे बच्चों की वैक्सीन कहाँ है, तो ये तो प्लानिंग तो जब पैंडेमिक आया तब से उन्होंने शुरू कर दिया था. प्रेम जी बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 18 से बात करने के लिए.